नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से काफी अच्छी खासी वैकेंसीज निकाली गई है, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर वैकेंसीज की अपडेट के बारे में, तो देखिए पंचायती राज रिक्रूटमेंट 2022 के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। पंचायती राज विभाग की तरफ से इन वैकेंसीज को रखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज के अपडेट के बारे में, तो देखिए आप यहाँ से इजिली वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। पंचायती राज रिक्रूटमेंट 2022 के लिए अगर हम बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम आपका जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट रहेगा। पंचायती राज डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी वैकेंसीज को जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात कर लें, तो जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है, साथ ही में अकाउंट्स क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जूनियर क्लर्क एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं, साथ ही में लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो देखिये 9,759 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इन भर्तियों के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन कर सकते, ऑफलाइन आपके एप्लीकेशन फॉर्म आपसे नहीं लिए जाएंगे। एंड इसी के साथ में जॉब कैटेगरी आपकी ऑल स्टेट गवर्नमेंट जॉब रहेगी, सो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का कैंडिडेट हो, आप सभी स्टेट के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट यहां पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट के बारे में, तो देखिए 20 नवंबर 2022 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, एंड लास्ट डेट आपकी जो रखी गई है वो 25 दिसंबर 2022 से रखी गई है। सो 20 नवंबर से 25 दिसंबर तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात कर ले, तो देखिए यहां से आप जो है अपना पूरा सिलेक्शन प्रोसेस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में दोस्तों आपका स्किल टेस्ट यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपको जो है इनमें देखने को मिल जाएगी। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे, जिनके आधार पर आपको आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पर मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों पे स्केल के बारे में, कि आपको यहाँ पर जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो सैलरी क्या दी जाएगी, तो देखिए आप यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। आपका जो स्टार्टिंग पे स्केल यहाँ पर बनेगा वो 28,000 रुपए से 35,000 रुपए तक रहने वाला है। सो काफी अच्छी खासी जो है ये आपको सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, साथ ही में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो भी अलाउंस यहाँ पर दिया जाता है वो सारे अलाउंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड इसी के साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें, तो देखिए दोस्तों अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही में अगर आपने यहाँ पर डिग्री कंप्लीट किया है, आपने कोई भी डिग्री अगर आपके पास में है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आप 12वीं पास है और 10वीं पास है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। आपने चाहे किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हो, आप इन भर्तियों के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। बात करते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में, तो देखिए यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं। जो आपकी मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है वो 18 साल रखी गई है, एंड मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सो 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज रिलेक्शन के बारे में अगर हम बात कर ले, तो फॉर ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट प्रोवाइड की जाएगी, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एंड एक्सेसमेंट कैंडिडेट को 10 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट यहां पर देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं दोस्तों कौन कैंडिडेट यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, वो कैन अप्लाई के बारे में, तो देखिए ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ऑल स्टेट के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम बात कर ले, तो देखिए जो आपसे एप्लीकेशन फीस यहाँ पर ली जाएगी वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 500 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाएगी, एंड इसी के साथ में एससी एसटी कैटेगरी से 300 रुपए एप्लीकेशन फीस ली जाएगी। आप अपनी
एप्लीकेशन फीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कैश कार्ड और वॉलेट का इस्तेमाल करके जमा करवा सकते हैं। जॉब लोकेशन के बारे में बात कर ली तो ऑल ओवर इंडिया में आपको जो है ये जॉब प्रोवाइड की जाएगी एंड ऑल ओवर इंडिया में जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हैं उसी स्टेट में आपको ये जॉब दी जाएगी। सो आप जो है अपने स्टेट में भी इस जॉब को ले सकते हैं। हाउ टू अप्लाई के बारे में बात कर ली कि किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्टेप्स प्रोवाइड किए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजिली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इजिली सबमिट कर पाएंगे। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने में तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट लिंक के बारे में, तो देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैं एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड एडमिट कार्ड और रिजल्ट से संबंधित सारी अपडेट आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं या फिर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जो है सबसे पहले अपडेट देखने को मिल जाएगी। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए रहने वाली है अगर आप पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।